आरएनटी हॉस्पिटल, जिसे हम हिंदी में बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। इसकी स्थापना डीएनके प्रोजेक्ट के तहत सन 1961 में किया गया था। उस वक्त इसकी हालत कुछ और थी। उस वक्त यहाँ बड़े बड़े महानगरों से, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य आंध्र, उड़ीसा या महाराष्ट्र से भी आकर अपनी स्वास्थ्य का लाभ लेते रहे हैं, मगर अब इसकी हालत एकदम दयनीय हो चुकी है। यह 100 बिस्तर का हॉस्पिटल, यहाँ पर शासन द्वारा 28 डॉक्टरों का स्वीकृति पद रखा गया है, मगर फिलहाल यहाँ 3 ही डॉक्टर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिससे यहाँ के वासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न सर्जन, न एमडी, न महिला विशेषज्ञ। तो हॉस्पिटल क्या व्यवस्था है? हॉस्पिटल की व्यवस्था तो कुछ नील है, कोई व्यवस्था नहीं है। न यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था है, न सफाई व्यवस्था है, न लाइट व्यवस्था है, न पंखे का ठिकाना है। अच्छा, कितने बिस्तर का हॉस्पिटल? ये तो कोंडागांव 100 बिस्तर वाला अस्पताल है। 100 बिस्तर, 100 बिस्तर के होने के बावजूद यहाँ कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं अभी? यहाँ तो मात्र 3 डॉक्टर हैं वर्तमान। अच्छा, तो आपके अनुसार यहाँ कितने डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए? कम से कम 15 डॉक्टर होना चाहिए जिला अस्पताल के हिसाब से। महिला डॉक्टर होना चाहिए, महिला डॉक्टर तो है ही नहीं। यहाँ तो काफ़ी परेशानी होती है, कोई भी मतलब महिला का एक कराना है तो जगदलपुर ले जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है जनता। तो आप लोग इस बात को लेकर कभी आंदोलन या किसी सरकार के सामने आपने आवाज बुलंद नहीं की? इसके बारे में तो कई बार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया गया है, उसके बावजूद भी कोई नियुक्ति नहीं हो रही। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूंगा कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुखिया, मुख्यमंत्री जी से अपील कर इस जिला हॉस्पिटल में कम से कम 10 डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का नंबर है 07150803033। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।